प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जन आरोप पत्र को लेकर के पत्रकारों से मुखातिब हुए। पार्टी कार्यालय स्थित भाजपा मीडिया सेंटर पर कटारिया ने पत्रकारों को बात करते हुए उनसे गहलोत सरकार पर हमला किया। कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों की ऋण माफी करने की बात कही थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। कटारिया ने नरेगा को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया। यही नहीं, कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुले मंच पर बहस की भी चुनौती दे डाली। मुख्यमंत्री का ये दावा कि मैंने 100 दिन में जो कुछ वादे किए वो मैंने पूरे कर दिए, मेरा उन्हीं से सवाल है कि वो कृपा करके 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ की जो बात की है उसमें किस आदमी का कितना कर्जा माफ किया है, तहसील वाइज एक सूची जारी कर दे, उनकी सच्चाई समझ में आ जाएगी और हम क्या बोल रहे हैं उसकी भी समझ में आ जाएगी। फिर इन्होंने बेरोजगार नौजवान को 3,500 रुपये देने की बात की, विधानसभा में भी इसकी घोषणा की। मैं आज उनसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में बेरोजगार युवकों की जो सूची है वो 33 लाख है, आपने कितने लोगों को अब तक उनके खाते में 3,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पैसे डाल दिए हैं।